हाथो तहसील में शुक्रवार को दो मंत्रियों की मौजूदगी में एक बड़ा आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्र के पालका करिया में उस समय जयकारे गूंज उठे जब बटन दबाते ही नर्मदा माई कलकल करते खेतों में बह गई। नर्मदा घाटी विकास मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बड़ी संख्या में उपस्थित किसानों के साथ बटन दबाकर नर्मदा गंभीर लिंक एवं पेयजल परियोजना का शुभारंभ किया। इस परियोजना से सांवेर क्षेत्र के 43 गांवों को सिंचाई एवं पेयजल सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री रामेश्वर पटेल, विधायक देपालपुर विशाल पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। नर्मदा मैया मालवा चलो, ये नारा आपके इस बेटे ने, जब मैं भी 27 साल का एमएलए जब बना था, क्यों पटेल साहब, जब मैं रवि और खरीफ की फसल भी नहीं जानता, याद है ना आपको, क्यों रमेश जी, जब से आपकी कल्पना थी कि नर्मदा होना चाहिए, जिसके जिसके जीवन में पानी नहीं हो उसका जीवन निर्धक है, बेकार है, इस कल्पना को साकार करने के लिए 43 गांव की सिंचाई की योजना गंभीर सिपरा लिंकअप योजना के माध्यम से। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री सिलावट ने कहा कि उनका आज वो सपना और संकल्प पूरा हो गया जो 1985 में उन्होंने नर्मदा मैया सांवेर चलो का नारा देकर उठाया था। इस परियोजना से किसानों को निरंतर सिंचाई का जल मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में पेयजल का प्रावधान नहीं था, अनेक गांव में 400 फीट तक बोर करने पर भी पानी नहीं मिलता था। ऐसे में परियोजना से इन सभी गांव में पीने योग्य पानी का इंतजाम किया जा सकेगा। 15 गांवों के 3 क्लस्टर बनाकर घर में उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं इस दौरान नर्मदा घाटी विकास मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल ने सांवेर क्षेत्र के किसानों को और ग्रामीणों को इस परियोजना के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि विगत 15 सालों में सांवेर क्षेत्र उपेक्षित रहा, यहां विकास की अनदेखी की गई। अब मंत्री तुलसी सिलावट के कारण इस क्षेत्र में विकास ने रफ्तार पकड़ ली है। उन्होंने बताया कि नर्मदा विकास प्राधिकरण की पहली बैठक में ही सांवेर क्षेत्र में नर्मदा जल लाने के लिए जोरदार मांग उठाई गई। वहीं दोनों मंत्रियों ने इस दौरान कमलनाथ सरकार की भी जमकर तारीफ की। जो सौगात सिंचाई के साथ जल पीने की दी है, और जो शेष गांव 185 गांव 2400 करोड़ की योजना की जो उन्होंने घोषणा की, मैं सांवेर की ओर से उनका आभारी हूँ। कितना फायदा हुआ किसानों को इससे? पूरा संपूर्ण। अगर उद्वहन सिंचाई परियोजना यहाँ पे आती है और साल भर तक निरंतर पानी लोगों को मिलता है, तो मैं समझता हूँ भूस्थल आप पड़ेगा। किस तरीके से इसकी योजना तैयार की? देखिए, अभी जितने गांव जुड़े हैं उसके अलावा भी 4-5 गांवों की और मांग आई। हम 4-5 गांव तक ही सीमित नहीं रहना चाहते हैं। हमारी सरकार की मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के को सिंचाई के लिए किसानों को पानी मिले, उसके साथ साथ पेयजल की भी व्यवस्था हो। तो हम लोग 4 या 5 गाँव तक सीमित नहीं रहना चाहते, तो हम तो चाहते हैं कि सांवेर विधानसभा की एक भी गांव नहीं छूटे और एक भी खेत सिंचाई से वंचित नहीं रहे। ये हमारा प्रयास आने वाले वर्ष के लिए। ये सुनिश्चित कैसे होगा कि ये जो है योजना, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बहुत फ़र्क है। भारतीय जनता पार्टी जो योजना बनाती है तो लोगों से भेदभाव करती है, जैसे सांवेर के लोगों से किया। अगर उस समय पर इस योजना पर इन गाँवों को जोड़ दिया होता तो हमारे को आवश्यकता नहीं थी इन गाँवों को सिंचाई के लिए जोड़ने के लिए या पेयजल के लिए। हम तो उनसे एक कदम और जाके नई उद्वहन सिंचाई योजना साथ में सिंचाई के साथ में पेयजल की व्यवस्था। और मैं समझता हूँ जिस तरह से तुलसी सिलावट जी हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं और जिस तरह से इसको मूल रूप देने में हम लोग लगे हुए हैं, जल्द ही हम लोग इसको मूल रूप देके यहाँ पे उद्वहन सिंचाई योजना हम लोग।